लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी, 2019 में जिन सीटों पर मिली हार उन पर मंथन। जानिए क्या है बीजेपी की रणनीति अंदर की बात में। लोकसभा चुनाव के लिए अब एक साल से भी कम का समय बचा है। ऐसे में सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी अभी से चुनावी रणनीति तैयार करने में जुट चुकी है। भारतीय जनता पार्टी 2019 के लोकसभा चुनाव में यूपी की 14 सीटों पर हार का सामना करने पड़ा था। इन सीटों को लेकर भाजपा ने लखनऊ में मंथन किया है। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार की है। राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल ने कहा कि भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव माइक्रो मैनेजमेंट, बूथ प्रबंधन और कार्यकर्ताओं की बदौलत जीत का लक्ष्य प्राप्त होगा। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा के लिए अनुकूल माहौल बना है। पार्टी 2024 में सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य पूरा करेगी। इस मौके पर लोकसभा प्रवास योजना के तहत मैनपुरी, अंबेडकर नगर, लालगंज, सावस्ती और अंबेडकर नगर लोकसभा क्षेत्रों के संयोजक, प्रभारी और विस्तारक भी मौजूद रहे।